फ्रेंड्स हाउस एंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15 फीट बाई 30 फीट में ये प्लान बना हुआ है, जो कि 450 स्क्वायर फीट में होगा। 50 गज में ये प्लान बना हुआ है। इस हाउस डिज़ाइन से आप 400 450 स्क्वायर फीट तक आप आइडिया ले सकते हैं। छोटा घर है लेकिन बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है। 2 BHK में ये प्लान बना हुआ है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसकी चौड़ाई की बात करें तो आपकी 15 फीट होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 30 फीट की होगी। इस साइड से तो हमने 2 साइड आयरन का डोर प्रोवाइड किया है, जो कि काफ़ी बड़ा आपको मेन गेट मिलेगा। अब इस मेन गेट की चौड़ाई की बात करें तो हमने 5 फीट का मेन गेट प्रोवाइड किया है। अब इस गेट से एंट्री होती है, काफ़ी आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। अब इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 6 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 9 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके बाइक्स वगैरह इजिली एडजस्ट हो जाएगा, पार्क हो जाएगा। प्लस आप अपना सेपरेट टैंक या वाटर टैंक भी आप इस साइड बना पाएंगे, जिसमें अपना वाटर वगैरह स्टोर कर पाएंगे। जो कि फसल पर जाने के लिए हमने स्टेयर्स प्रोवाइड किया है। स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 2.5 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 9 फीट की होगी। काफ़ी आपको स्टेयर्स मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। फर्स्ट फ्लोर पर भी इसमें 2 बेडरूम का पोर्शन आने वाला है, जो कि हमने बाहर से प्रोवाइड किया है। चाहे तो आप फर्स्ट फ्लोर पर रेंट आउट भी कर पाएंगे। साइड से तो ये हमारा एंट्रेंस गेट होगा, हमने 3.5 फीट का साइड से तो हमने इसमें मेन गेट प्रोवाइड किया है। अब इस गेट से एंट्री होती काफ़ी आपको ड्राइंग रूम मिलेगा। अब इस ड्राइंग रूम के एरिया की बात करें तो आपकी 9 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 8 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके सोफे, टेबल्स, अलमीरा वगैरह इजली एडजस्ट हो जाएगा। प्लस साइड से हमने वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ भी लगाए, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। अभी साइड से हमारा गेट होगा, इस गेट से एंट्री होती काफ़ी हमारा डाइनिंग का लिविंग एरिया मिलेगा। अब इस गेट से एंट्री होती काफ़ी आपका एरिया मिलेगा। अब इस एरिया की बात करें तो आपकी 9 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 8 फीट की इसकी लंबाई होगी। काफ़ी आपको डाइनिंग एरिया मिलेगा, इसमें आपके गेस्ट वगैरह के साथ बैठकर खाना वगैरह खा पाएंगे, सर्व कर पाएंगे। इस साइड से तो ये हमारा ओपन किचन मिलेगा, ये काफ़ी हमने ओपन किचन प्रोवाइड किया। अब इस किचन के एरिया की बात करें तो आपकी 9 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 6 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके वाश बेसिन, सिंक्स, चूल्हे, रैक्स वगैरह आपका इजली एडजस्ट हो जाएगा। प्लस साइड से तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए विंडोज़ भी लगाए, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह सब इसी के द्वारा बाहर निकलती रहेगी। अब इस साइड से तो ठीक इसी के सामने हमें एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारा टॉयलेट स्लेश बाथरूम का गेट होगा। हमने इसमें 2.5 फीट का डोर प्रोवाइड किया। इस डोर से एंट्री होती काफ़ी आपको 8 टॉयलेट कम्बाइन बाथरूम मिलेगा। अब इसके एरिए की बात करें तो आपकी 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 6.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके शावर्स, टॉयलेट शीट वगैरह इसलिए एडजस्ट हो जाएगा। प्लस साइड से तो इसके वेंटिलेशन के लिए हमने विंडोज़ भी लगाया, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। ये हमने OTS के द्वारा प्रोवाइड किया है। OTS के एरिए की बात करें तो आपकी 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 3 फीट की इसकी लंबाई होगी। अब साइड से तो ठीक इसी के बराबर में हमें एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे मास्टर बेडरूम का गेट होगा। अब इस गेट से एंट्री होती काफ़ी हमें मास्टर बेडरूम मिलेगा। अब इस बेडरूम के एरिए की बात करें तो आपकी 9.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 10 फीट की इसकी लंबाई होगी। काफ़ी बड़ा आपको बेडरूम मिलेगा, इसमें आपकी डबल बेड्स, टेबल्स, सिंगारदान वगैरह इजली एडजस्ट हो जाएगा। LCD वगैरह प्लस साइड से तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी लगाया OTS के द्वारा, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह सब इसके द्वारा बाहर निकलती रहेगी। अब इस प्लान के टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये प्लान 5 लाख में बनने वाला है, जो कि आप चाहें तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।